दुर्व्यवहार करना दूर करे, समाज को विघटन करना बंद करे। ये आज प्रदेश के जो हालात है, दो वर्ष अब हो गए सरकार को बनाए हुए। हेमंत सोरेन सरकार ने जिस प्रकार से सरकार बनने के बाद भी सड़कों पर छोड़ दीजिए, भाषण छोड़ दीजिए, विधानसभा में भी उन्होंने जितनी घोषणाएं की थी उन घोषणाओं को भी उन्होंने पूरा नहीं किया। और सबसे अधिक तो वास्तव में इस प्रदेश की जनता, यहाँ के क्या कहते हैं नौजवान, वोट करके गए। नौजवानों के लिए कहा था ना कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो भत्ता देंगे। और ये भत्ता की बात उन्होंने बाहर नहीं बल्कि सदन में उन्होंने घोषणा किया था, उनके वित्त मंत्री ने किया था। लेकिन आज तक पूरे झारखंड प्रदेश की हम लोग दौरा करते हैं, हर जगहों पर नौजवानों से पूछते हैं कहीं क्या किसी को भत्ता मिल रहा है, क्या किसी को रोजगार मिला क्या, तो कहीं से कोई उत्तर नहीं आता है कि हमें मिला है। बल्कि जगह जगह जाते हैं तो वो लोग आकर के मिलते हैं, वो लोग आवेदन आकर के देते हैं कि हम सब लोग तो पहले काम कर रहे थे, हम सब लोगों को छांट दिया, हम सब लोगों को हटा रहे हैं। और जब रांची आएंगे तो हम तो मोराबादी के मैदान के बगल में ही रहते हैं, वहां देखें लंबी लंबे समय तक लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। और अभी अभी आपने देखा जेपीसी को लेकर के भी जेपीसी भी यहां बता रहे थे, उन बच्चों को तो रात नहीं उठा लिया भाई, उसमें बचा हुआ क्या है, सब कुछ तो प्रूफ हो चुका है, गड़बड़ हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। पहले तो मान ही नहीं रहता गड़बड़ हुआ, सेलियर रिजल्ट हो गया था, लेकिन जब बच्चों ने पूरा सबूत के साथ इकट्ठा किया तो आयोग ने भी माना और उसको रद्द भी किया, उसे जिन लोगों ने पास किया था। इसके बाद बचा हुआ क्या था, फिर सरकार से तो यही मांग कर रहे हैं झारखंड के नौजवान कि आप तो गड़बड़ी, ये तो बात हो चुका, सिद्ध हो चुका है, इसलिए उस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराओ, आयोग से इतना तो कह सकते थे उमर सीट को जारी करो, उन्होंने अपने विज्ञापन में भी कहा था, आखिर क्यों छुपा रहे हैं। लेकिन सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है भाई, आपसे इतना ही तो मांग है, जो उस व्यक्ति को आपने वहां बहाल किया है, जिनको आपने चेयरमैन बनाया है, उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार के आरोप मामला अदालत में है, ऐसे व्यक्ति को तो वहां से बर्खास्त करनी चाहिए। झारखंड के नौजवान आज यही मांग कर रहे हैं। लेकिन आज इस प्रदेश में क्या हो रहा है, लेकिन ये तो किसको बताएंगे, खुद ही भ्रष्टाचार में सब जगह ये लोग ऐसे लूट में मचाए हुए हर जगह पर, एक भी क्षेत्र कहीं भी कोई वैसा दिखता नहीं है कि जहां कोई अच्छी होगा। जितने भी इस प्रदेश के अंदर में लूट, चाहे खनिज संपदा हो, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो, और उस लूट में इस राज्य के जो क्रम पदाधिकारी है जिनको लूट को बंद करनी थी उन सारे लोगों को लगा रखे, आज पूरे प्रदेश में बालू की तस्करी हो रही है। वहां भी जाए तो वहां गांव के लोग मिलते हैं, पिछले दिनों चाय बासा गए थे, मनोहर पर तरफ से कुछ लोग आए, गांव वाले कहा कि सर हम लोगों के यहाँ तो नदी के बालू भी सब यहाँ से ले गया, अब हम लोगों को घर बनाने के लिए भी बालू बचा हुआ नहीं है। ये पूरे प्रदेश की ये कहानी है। और हमें कह रहे ऐसा नहीं है, उनकी सत्ता में बैठे हुए लोग भी कभी कभी बोल पड़ते हैं, उनके विधायक सदन में भी बोल पड़ते हैं किस प्रकार से लूट मची हुई है भाई। आज इस प्रदेश के अंदर में चारों तरफ लूट ही लूट है, और कहीं नहीं तो जमीनों की भी लूट है, और जमीन तो ऐसे लूट हो रही है जैसे किसी समय हम लोग किताबों में पढ़ते थे राजा महाराजा लोगों के जमानों में, अंग्रेज के जमानों में लोग कहते थे किसी की कोई जमीन पसंद कर लिया, किसी की बहु बेटी भी पसंद कर लिया। लेकिन आज उसी प्रकार से इस प्रदेश में हो रहा है। मैं आपको कहूं कि एक दिन मैं घर में बैठा हुआ था, साहेबगंज से एक व्यक्ति आया, 2 दिन तक रुके हुए थे, कहा कि आपसे मिलने के लिए आए, मैं समझ नहीं रहा था कि इतनी मामला उनके पास गंभीर है। वो व्यक्ति आया हमारे पास, हमने टेलीफोन से देखे मिस कॉल था, हमने उनको बुलाया, हमने कहा कि क्या, बोला कि पूरे घर में लोग परेशान है। हमने कहा कि वो परेशान है भाई, उन्होंने कहा कि साहेबगंज में हमने 10 वर्षों से मकान खरीदा हुआ, उसमें रहते हम भी उस मकान में एक बार गए, वहां मीटिंग वगैरह की है। मैंने कहा था कब हेमंत सोरेन के जो विधायक प्रतिनिधि है साहेबगंज के भुंडो को वहां भेज करके कहते
है इस मकान को खाली कर दो और नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा। अब बताओ क्या स्थिति है। और वहां की बात आप छोड़ दीजिए, आज सुबह में रांची के ही व्यक्ति में बता रहा हूं, निवारणपुर के बगल के केस चल रहा है, वही रह रहे हैं बुजुर्ग आदमी है, पति पत्नी रह रहे हैं, बूढ़ी माँ है, लेकिन जो उनके जमीन को कब्जा करने के लिए लोगों ने केस किया, डीसी कहते हैं हम कुछ नहीं सुनेंगे। ये रांची की घटना, वो डरे हुए कि हमको भी हत्या कर देंगे ये लोग। अब इस राज्य में लगता है कि गुंडा और माफिया के माफियाओं की राज चल रहा है, लगता है हेमंत सोरेन या तो गुंडा और माफियाओं के संरक्षक बने हुए हैं या उन लोगों से घिरे हुए। आज इस प्रदेश में पूरे राज्य में यही हो रहा है, जहां देखे वहां लूट मची हुई है, और इस प्रदेश में पुलिस भी टूल की तरह उनको उपयोग कर रहे हैं। राज्य में अपराध की तो बेहताश वृद्धि हुई है। अभी उसी आंकड़ा आपको बता रहे थे, चोरी डकैती हत्या अपहरण, यहां तक कि बहुत बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। आज पूरे प्रदेश में जहां भी जाओ वहां वही हालत है। आज भी लोग आए थे इसी रांची में, ये जो क्या कहते हैं डेयरी में एक व्यक्ति गायब हो गया है, वहां से भुरवा से 22 तारीख से अभी तक कोई पुलिस ढूंढ नहीं निकाली। आज उनकी पत्नी उनके परिवार के लोग आए थे सवेरे, हालत क्या है, यानी पुलिस को इसकी कोई चिंता नहीं है, कहां से खोज खबर है, कोई देखने वाला नहीं है। पुलिस तो वसूली में लगेगी, और यही कहीं नहीं, मैं पहले आपको एक भी फलामू की घटना बता रहे थे, वहां के एक बार बिहार के लोग छत्तीसगढ़ गए थे, छत्तीसगढ़ से आ रहे थे, और उनका अपहरण होता है, बूढ़े बुजुर्ग का ड्राइवर का अपहरण होता है, पुलिस के पास उन लोग एफआईआर करते हैं, एसपी से लोग मिलते हैं, अपराधियों ने 10 लाख रुपए 40 लाख की मांग की, मामला 10 लाख में सौदा तय हुआ, एसपी ने कहा कि ठीक है। दो दो थाना के सिपाही, दो दो डीएसपी जाते हैं, 10 लाख रुपया भी चला जाता है, बूढ़े बाप भी वापस नहीं आते, और वैसे भी कम में अफसर को फिर वहां से ट्रांसफर करके एसपी को धनबाद में पदस्थापित करते, आज भी वहीं बैठे हुए। और आप कैसे सोचोगे इस राज्य में कानून की राज स्थापित होगी। बाद में जब उन्होंने यहां आकर के बताया, आवाज उठा तो उसकी कंकल मिला, लेकिन आदमी का आता पता नहीं चला। ये झारखंड में यह हालत है कानून व्यवस्था की, कैसे आप उम्मीद करेंगे। बहु बेटियों की उससे में भी सबसे अधिक इनकी भुक्तभोगी बनी है दलित के आदिवासी महिलाएं, क्योंकि ये सबसे कमजोर है। सरकार अपने को कहता है कि आदिवासियों के हितैषी है, लेकिन सबसे अधिक अगर इस राज्य में कोई प्रताड़ित हुए हैं तो ये गरीब दलित आदिवासी हुए हैं, कमजोर तबके के लोग हुए हैं। विकास का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। आज जो भारत सरकार से नरेंद्र मोदी जी ने जो अनाज भेजे है, वो भी सितंबर महीना में अतिरिक्त 5 केजी की वो अनाज मिल नहीं पाया। आज भी अगर आप सब उससे बात करेंगे, बोलता है पता करेंगे, कोई कुछ कुछ उत्तर देते हैं, ये हालत है इस राज्य की। भाई आपने तो कुछ कर नहीं सकते हो, भारत सरकार जो भेज दिया उसको तो कम से कम गरीबों के घरों तक पहुंचाते, लेकिन उसमें भी गड़बड़ करते हैं। इस राज्य में आज यही चल रहा है, और चारों तरफ कैसे ये पैसे कमाएंगे उसका एक आप सब लोग अभी धोती सोनी योजना की आप सबने सुना होगा, और थोड़ा मोड़ा नहीं 500 करोड़ की प्रत्येक 6 महीना में 250 करोड़ की, अब 6 महीना में ढाई नहीं एक साल में 500 करोड़ की साड़ी धोती बांटेंगे। और उस साड़ी धोती को हमने लोगों से देखा जाकर के, जिन लोगों ने मिला है दे तो 10 रुपया में रहे, और उसकी कीमत जो अदा किया है मोतीलाल कंपनी को हेमंत सोरेन की सरकार ने जो दिया है, वो साड़ी धोती की कीमत कितना है, किसी का 200 है 250 है। हमने तो कल सामने ही दुकानदारों को जो कपड़े व्यवसाय करता है उन लोगों को बुला करके हमने दिखा करके पूछा इसका कीमत क्या है, बोला कि सर 100% भी इसका कीमत नहीं है, किसी का तो 50 है, किसी का 60 होगा, उससे अधिक नहीं है। यानी आप समझ सकते 500 में 250-300 करोड़ रुपया की घोटाला है, ये लूट मची हुई है। आज अगर उन साड़ियों को सब इकट्ठा करके, मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, आप एक साड़ी एक लुंगी और क्या कहते हैं
धोती खरीद करके उन गरीबों को दीजिए, वो सारी को इकट्ठा करना और एक दिन आकर के हेमंत सोरेन के घर में हम लोग जमा कर देंगे कि ऐसे सारी आप धोती की जरूरत नहीं। क्योंकि इस राज्य में लोग, ये जनता की पैसा है, गरीबों की पैसा है और इस पैसे को ये लूट रहे। अगर हेमंत सोरेन और उनके गुर्गे अगर ये सोच रहे हैं कि हम पचा लेंगे तो ये भूलना नहीं, इस राज्य की जनता की पैसा है, उस पैसे को तो जहां भी आप गाड़ करके रखेंगे हम लोग उसको ढूंढ करके निकाल लेंगे और उसको आप बचा नहीं पाओगे। इसलिए आज ये देख रहे हैं, इतना ही नहीं साइकिल में भी वही क्या आप साइकिल कहता है साइकिल वितरण करें। हमने कहा कि भाई साइकिल है, ये जो क्या कहते सारी धोती है, आप देना चाहते हैं तो पैसा को डेबिट के माध्यम से सीधे बैंक में भेज दीजिए, उनके खाता में भेज दीजिए, जो भी 400-500 रुपया जाएगा उनके खाता में। गरीब 100-200 रुपया मजदूरी करके फिर डाल देगा और अच्छे कपड़ा बाल बच्चों के लिए खरीद लेंगे, कम से कम ये घटिया तो नहीं होगा, करप्शन तो नहीं होगा। लेकिन ये तो सरकार ही लूटने में लगी हुई है, करप्शन में लगी हुई है, उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो। और जिस प्रकार से समाज में उन्माद फैले उसकी उन्होंने क्या करते, पिछले दिन आपने देखा कि विधानसभा में नमाज के लिए कक्ष को आवंटित कर दिया, हम सब ने विधानसभा में विरोध हुआ, सड़कों पर विरोध हुआ, लाठियां चली, कई लोग घायल हुए, कई को के ऊपर केस किया, आप तो वारंट लेने की तैयारी कर रहे, जेल में डालेंगे। अरे जेल जाने से कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरते नहीं है, जितना भी जेल में डालेंगे आपको पकड़ने की जरूरत नहीं होगी, हम लोग जेल में आकर के आपकी गिरफ्तारी देंगे। लेकिन आज तक उन नमाज खर्च को उन्होंने हटाया नहीं, कमेटी बना करके रखे हुए। और इतना ही नहीं, जो साइकिल योजना में उन्होंने क्या निकाला है आदेश उन्होंने निकाला, आदिवासी बच्चे होंगे, दलित बच्चे होंगे, पिछड़ों के बच्चे होंगे, उनको जाति प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी से ऑनलाइन उनको देना होगा, जमा करना होगा आवेदन पत्र के साथ। लेकिन माइनॉरिटी मुसलमान होंगे तो उनको आवेदन के साथ स्वघोषित जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, खुद फिर करके देंगे। अब कैसी सरकार है, ये किस प्रकार से सरकार काम करती है, ये इस देश की हालत है। विकास का काम था है, फिर भी कहते हम काम कर रहे हैं, भाई अजीब स्थिति है। कोई भी सरकार होती 2 साल में अरे नए सड़कें नहीं बन सके, पुराने जो सड़कें थे उसी को ठीक करते। सरकार बता दो 2 वर्षों में कितना किलोमीटर सड़कें बनाई, कितना साल किलोमीटर मरम्मत किया। आज बिजली की चर्चा होती है, ट्रांसफार्मर जलता है 6-6 महीना साल साल भर लगता है, लोगों को नहीं मिलता है। आवेदन पर आवेदन लोग देते, हम लोग भी टेलीफोन करते, आप बिजली थोड़ा भी सुधार देते, पहले आप जितना बिजली रहती थी आप तो वो भी गायब हो, कई जिलों में तो 5-6 घंटा मात्र बिजली रहती है। अरे 2 वर्षों में जहां 7-8-10 घंटा बिजली रहती थी वहां 15-20 घंटा ले जाते, उस तो सुधार दिखाते, लेकिन यहां तो उल्टा रिवर्स गियर में गाड़ी चल रही है, विकास नहीं हो रहा है, बल्कि विकास का उल्टा सब चल रहा है, सब अविकास हो रहा है। सड़क जो बनी हुई थी वहां अब गड्ढे बन रहा है, बिजली जहां पहुंची हुई थी वहां ट्रांसफार्मर जल गया, बिजली नहीं है, अंधेरे में लोग जी रहे हैं, चारों तरफ यही हाहाकार है। और इसलिए आज जरूरत है कि आज तो आज हम सब लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जी अब धरना ही नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगी और आपको इस राज्य की सड़कों पर चलना मुश्किल होगी। या तो अपने काम को आप सुधारें, जनता के लिए काम करें, ये गुंडों और लुटेरों को जेल के सिकंजों में बंद करिए, और नहीं तो फिर वो भी समय आएगा आपको समेत वो लोग भी उस जेल में बंद होंगे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। आज इस राज्य की हालत, इन जो गरीबों की वो इतना आपने वैकेंसी निकला, जिन लोगों ने परीक्षा सब कुछ पास किया उनको भी आप नौकरी नहीं दे रहे, सब मामला लटकाए हुए, इसलिए पैसा वसूली के लिए। मैं तो कहता भी मुखिया की चर्चा हो रही थी, 16 से 6 महीना में वसूल करते,
आज जितनी भी जो नियुक्तियां है वो लोग भी मिलकर के उनसे बात करें तो आप देखें सारे समस्या का वो समाधान करेंगे, क्योंकि सब काम वो पैसे के लिए करते हैं। और इसलिए मैं तो कहता हूं ये काम के लिए नहीं, कमाने के लिए सरकार बैठी हुई है। और इस सरकार से लड़ाई की, आर पार की लड़ाई के लिए अब हम सब लोगों ने शुरुआत किया है। ये तो 2021 का आखिरी है, 2022 का जो वर्ष होगा भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर होगी और इस सरकार को जीना मुश्किल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों को न्याय मिले स्वाहा।